धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इतवार है, आप लोग सभी पहुँचे हैं, उसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद। हो सकता है किसी का ऑफ भी हो, लेकिन आप लोग आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विशेष रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो आज इन्होंने यहाँ पर समय निकाला और इस जो AICC की कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रेस वार्ता है, इसमें स्वयं अपनी मौजूदगी देकर एक बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं इनका विशेष तौर पे इसीलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सही कहा, मैं PCC के दफ्तर में तो आता रहा हूँ, यहाँ प्रेस वार्ता भी करता रहा हूँ जैसे आप सब, मगर जब से आप अध्यक्ष बने उसके बाद ये पहली प्रेस वार्ता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, तो उस रूप में आज आपने यहाँ पे स्वागत किया, आपका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारे बीच में हमारी विधायक, हमारी बहन और राजस्थान की एक सशक्त आवाज किसान की युवा की कृष्णा पुनिया जी, हमारी बहुत ही आदरणीय सुजिता आर्या जी, जो एक आप सब जानते हैं एक बहुत लोकप्रिय किसान परिवार की संस्कारों को, पृष्ठभूमि को आगे लेके चल रही है, और सभी साथियों। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अग्निपथ भर्ती योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। हम ये मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि ये योजना ना तो देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवान के भविष्य के हित में। सरकार और प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, अभी आप मन की बात सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी की, हम आग्रह करते हैं अहंकार छोड़े सरकार और देश के नौजवानों की, देश की फौज की मन की बात भी सुने। ये इस सरकार की ये कार्यशैली रही है कि ये योजना लेके आते हैं, किसी से सलाह नहीं करते, मशवरे नहीं करते और उस योजना को लागू कर देते हैं। लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए, जैसे भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन बिल की बात हो, नोटबंदी की बात हो, GST की बात हो, 3 कृषि कानूनों की बात हो और अब इस योजना की बात, और उसके बाद जब तीर कमान से छूट जाता है तो उसके बाद निशाना साधने की कोशिश करते हैं, अलग अलग बदलाव लाते हैं कि इसमें ये कर देंगे, 2 साल की छूट दे देंगे, इस प्रकार से कंडीशन करेंगे, वो करेंगे। जैसे इसमें अग्निपथ में आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने कई बार देखा, मगर हम आग्रह करना चाहते हैं कि मन की बात सुने प्रधानमंत्री जी, अहंकार को त्यागे। कृषि कानूनों के मसले पे भी आपने देखा कि अंततः उन्होंने मांग को मानना पड़ा किस देश के किसान की, लेकिन 700 घरों के चिराग बुझने के बाद 700 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद वहां भी यही हुआ था कि ना तो वही केस अग्निपथ में हुआ, ना संसद को विश्वास में लिया गया, ना स्थायी समिति रक्षा मंत्रालय की जो बनी हुई है संसदीय स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, उसमें कोई चर्चा की गई, ना कोई व्यापक देश में इस बात को लेकर कोई डिस्कशन हुआ। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब मैं जो 3-4 बिंदु शुरू में कहे कि हम इनको इसकी मांग हम वापस लेने की क्यों कर रहे हैं, उन 3-4 बिंदुओं पे एक एक करके मैं आना चाहता हूं। सबसे पहली बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की फौज को कमजोर नहीं होने दे। ये राष्ट्र की सुरक्षा में नहीं, कोई भी ऐसा कदम जिससे देश की फौज अगर कमजोर होती दिखाई देगी
ऐसे कदम का हम डट के विरोध करेंगे। ये ऐसी पार्टी है सत्तादल जो राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट तो अर्जित करना जानती है, लेकिन उस नौजवान जो छोटे गांव कस्बे में सुबह 4 बजे निकल जाता है घर से रेस लगाने के लिए, दंड बैठक करने के लिए प्रैक्टिस करके तैयार फौज की भर्ती के लिए, उसके मन में जो देशभक्ति का जज्बा है, उस देशभक्ति के जज्बे को ये समझ नहीं पाते। इस योजना से उस नौजवान के देशभक्ति के उस जज्बे का भी इस सरकार ने बहुत बड़ा अपमान किया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, वो देश की सेवा के लिए फौजी बनने जाना चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अग्निवीर बनना नहीं जाना चाहता। हम कह रहे हैं कि देश की फौज कमजोर होगी इससे, ये केवल हम ही नहीं कह रहे, बहुत से रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं, परमवीर चक्र विजेता बहुत से हमारे कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, आप ऐसी योजना लेके आए हैं जिस योजना के आधार पर धीरे धीरे हमारी फौज की संख्या कम हो, आज के दिन 50 से 80 हजार हर साल भर्ती है, इस योजना के अनुसार 45 से 50 हजार के तक, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही मान के चलिए, मगर इन अग्नि वीर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, उनमें से 1/4 यानी कि 12 हजार सैनिकों को पक्की नौकरी मिलेगी। अगर ये योजना 15 साल तक चली तो कहीं ना कहीं हमारी जो आज 14 लाख हमारी सैन्य बलों की संख्या है, वो संख्या बल घटकर 6 लाख हो जाएगा। नंबर एक, फौज क्यों कमजोर होगी। दूसरा, फौज का सैनिक जो फ्रंट लाइन पे देश की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लिए हो, अगर वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित स्वयं महसूस करे, वो किस जज्बे से लड़ेगा। फौज कोई व्यावसायिक विषय नहीं है, ये देश राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना से, ये जय जवान जय किसान का देश है, उस भावना से आत्म बलिदान करने के लिए भी देश का फौजी सरहद पे खड़ा होता है। आज आपने ऐसी स्थिति कर दी, 6 महीने की आपने ट्रेनिंग कर दी, 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, 1 साल चला गया, 4 साल में आखिरी के 1-1.5 साल, वो 4 साल के बाद क्या करेगा इस बारे में सोचेगा। आप लोगों ने भी जर्नलिज्म पढ़ा होगा, किसने स्नातक किया होगा, किसने इंजीनियरिंग करी होगी, 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है, आखिरी साल अब याद करें अपना, यहां तो 10वीं के बाद जा रहे हैं, 12वीं के बाद भी अगर आप आखिरी साल याद करें तो आप ये सोचते थे कि इंटर्नशिप कहां करेंगे, आगे नौकरी कहां तलाशेंगे, वो अपने भविष्य को लेकर आखिरी साल में, तो 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी और आखिर का 1-1.5 साल इस असुरक्षा में कि आगे क्या करूंगा, फौज में रिटेन होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसे में जिस देश का फौजी ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करे अपने भविष्य को लेकर, वो कैसे सुरक्षा कर पाएगा। फौज इसलिए कमजोर, फौज क्यों कमजोर होगी। तीसरा कारण, आज फौज में जो ट्रेनिंग का हमारा तरीका, आज 1 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल की ट्रेनिंग और अगले 2 साल में अपनी रेजिमेंट के अंदर जिसका प्रतीक है नाम नमक निशान, भावनात्मक रूप से टेक्टिकल ट्रेनिंग जिसको कहा जाती है, फौजी ऑब्जॉर्व किया जाता है, और फौज के सभी जनरल्स विशेषज्ञों का मानना है कि 3रे साल के अंत में संपूर्ण फौजी मिलता है। यहां आपने वो जो 1 साल की ट्रेनिंग थी वो 6 महीने कर दी, तो जो ये हमारी रेजिमेंट्स जो आधार हैं, जिस आधार पे जो नींव है, जिस नींव के ऊपर दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फौज आज हिंदुस्तान की फौज मानी गई है, टाइम एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, हर युद्ध में हमारी फौज जीती है, उसके बाद आज उस फौज की उस प्रणाली के साथ बिना कोई व्यापक चर्चा करे इतना बड़ा छेड़खानी करना, मैं समझता हूँ कि ये फौज की नींव को हिलाने का काम जो आप कर रहे हैं, इससे फौज कमजोर होगी। फौज क्यों कमजोर होगी। चौथा कारण, कई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, आर्मर्ड कोर,
रशिया के अंदर आप जाके पूछें, आर्मर्ड कोर की 5 साल की ट्रेनिंग है, आर्टिलरी, चीन की आर्मी में आर्टिलरी में 3.5 साल की ट्रेनिंग है, इन्फेंट्री, अलग अलग इन्फेंट्री के डिविजन्स, अलग अलग देशों की या मुल्कों की फौज में अलग अलग उनकी ट्रेनिंग है। आज आप किस प्रकार से जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग धीरे धीरे एक संपूर्ण फौजी तैयार होता है, 3rd-4th साल में निकलता है, आप उसकी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं उस समय, तो देश की फौज कमजोर होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय फौज को, जिस फौज ने देश की सुरक्षा में अपने बलिदान दिए, जिस फौज को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज माना गया हो, उस फौज में छेड़खानी नहीं होने देगी। हम सवाल करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, बताएं कि फौज में क्या कमी थी कि आज इतने बड़े बदलाव की फौज में आवश्यकता, वो भी बिना चर्चा के। दूसरा बिंदु, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप जानते हैं इनकी नकारात्मक नीतियों की वजह से आज देश के 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रहा है, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही। ऐसी परिस्थिति में जब 65 लाख केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की नौकरियों में रिक्त स्थान हो, जिसमें से 26 लाख अकेले केंद्र सरकार में रिक्त स्थान हो, और 2 लाख से ज्यादा फौज में रिक्त स्थान हो, ये स्वयं मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था 28 मार्च को संसद में, उसमें जानकारी मिली, जैसा आप जानते हैं, उसके बाद ये आंदोलन बना पूरे देश में, कि 2 लाख से ज्यादा फौज में रिक्त स्थान है और 3 साल से भर्ती नहीं हो रही। पहले तो रक्षा मंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी स्थिति बनी कि 3 साल से कोई भर्ती नहीं, इतने रिक्त स्थान फौज में और अलग अलग वैकेंसीज में, ऐसे नौजवानों के भविष्य के साथ रिकॉर्ड बेरोजगारी का जो सामना कर रहे हों, इतना बड़ा मजाक की सरकार ने किया है। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि धीरे धीरे फौज की जो हमारी संख्या घटेगी, स्वाभाविक रूप से संख्या घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी बात, जो लोग अग्निवीर 4 साल के बाद जिनकी फौज से छुट्टी कर दी जाएगी, आज बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि उनको अलग अलग फोर्सेस के अंदर, जो गृह मंत्रालय के अंदर सारी फोर्सेस हैं उनमें प्राथमिकता दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में प्राथमिकता दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो लोग 15 साल की ट्रेनिंग करके घर वापस आ रहे हैं 35 साल में, आज कितने ऐसे रिटायर्ड फौजियों को आपने अपनी फोर्सेस के माध्यम से अब्सॉर्ब करने का काम किया है, कितने ऐसे फौजियों को आपने किया है, एक्स सर्विसमैन को किया है? क्योंकि आज भी प्रावधान है, आज भी हर जगह प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे पुलिस फोर्सेस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर CISF, BSF, CRPF की फोर्सेस हो, चाहे वो PSUs के अंदर जैसे NTPC इत्यादि, वहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़ी हुई वैकेंसीज हो, आज भी एक सर्विसमैन को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन उनको तो आप अब्सॉर्ब कर नहीं पा रहे। आने वाले समय में जब इतने लोगों की छुट्टी करके आप घर भेजेंगे, तो आप किस आधार पे? तो ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है, युवाओं की देशभक्ति की भावना का भी बहुत बड़ा अपमान है, जैसे कि मैं पहले आपके बीच में कह चुका। एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि जी इसराइल में ऐसा होता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने एक हरियाणा के अंदर, एक हम बोलते हैं शायद राजस्थान के अंदर बोलते होंगे, नकलची बंदर, आपने सुना होगा नकलची बंदर। ये सरकार, आपको याद होगा 3 कृषि कानून जब लेके आई तो सरकार ने कहा कि अमेरिका के अंदर इसी रूप में कॉरपोरेट सेक्टर
कृषि क्षेत्र में है। हमने कहा अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अलग है, परिस्थितियां अलग है, आप इस देश को समझो। 50% लोग कृषि पे आधारित हैं, अमेरिका में 0.5% है। यहां कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं चलेगी, यहां हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कानून चलेंगे। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की परिस्थितियां देखते हुए MSP की प्रणाली को और बाकी मंडी व्यवस्था की प्रणाली को विकसित करने का काम किया था, मगर सरकार ने उस समय नहीं मानी। खामियाजा देश के किसान को हुआ, देश को हुआ। 700 किसानों की जान कुर्बान हुई और उस बलिदान लेने के बाद सरकार ने अपने कदम उठाए, प्रधानमंत्री जी ने वो प्रेस वार्ता करी। आज वही बात पहले अमेरिका से लेके आया था, कह रहे इसराइल में। इसराइल में आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, छोटा मुल्क है मगर छोटे मुल्क से भी ज़्यादा एक एडवांस इकोनॉमी है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, 100% एम्प्लॉयमेंट है अलग अलग सेक्टर्स में। कोई स्वेच्छा से आर्मी में जाना ही नहीं चाहता, वहाँ भावना में भी फर्क है हिंदुस्तान में और इसराइल में। ये देशभक्ति हमारे गाँव में, छोटे कस्बों में नौजवानों के रग रग में देशभक्ति भरी हुई है। वहाँ आर्मी फर्स्ट चॉइस नहीं है इसराइल में, कोई फर्स्ट प्रेफरेंस से आर्मी में नहीं जाना चाहता। इसीलिए वहाँ तो कंपलसरी सर्विस करके 4 साल में रिटायरमेंट करके सारी 100% सबको जाना पड़ता है। वहाँ की स्थिति अलग है, हिंदुस्तान की परिस्थितियाँ अलग हैं। हिंदुस्तान में नंबर एक चॉइस, जैसे मैंने कहा, बहुत हिंदुस्तान के नौजवानों की गाँव में, छोटे कस्बों में, जो लोग 4 बजे उठ के अपनी प्रैक्टिस करने निकलते हैं, मैदान में दौड़ लगाते हैं, उनकी सबसे सर्वोत्तम अगर कोई चॉइस है तो वो फौज में जाना है। इसलिए ये नकलची बंदर, कभी हिंदुस्तान की परिस्थिति के सरकार ने नकलची बंदर का रूप ले लिया है। कभी अमेरिका से ला रहे हैं, कभी इसराइल से ला रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों के लिए सूटेड जो नीतियाँ हैं वो चलेंगी, वहाँ की नहीं चलेंगी। इसमें बाकी आपके बहुत से प्रश्न होंगे, तो जैसे मैंने कहा कि भाई दो मुख्य बिंदु, कि देश की सुरक्षा और के साथ समझौता नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, देश की फौज को कमज़ोर नहीं हम होने देंगे, और देश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी दो मुख्य बिंदु हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ सरकार से, कई विषय ऐसे होते हैं, राज्य सुरक्षा और फौज का वो विषय जहाँ राजनीति का कोई स्कोप नहीं, आप राजनीति करिए, आपकी आदत है, आप हर चीज़ पर राजनीति करते हैं, आप करिए हर चीज़ पर राजनीति करिए, लेकिन देश की फौज राष्ट्र सुरक्षा पे राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। और राजनीति क्या है? राजनीति का अर्थ सभी को विश्वास में लेकर एक मत से नीतियां बने, क्योंकि देश का फौजी किसी एक विचारधारा का कोई के परिवारों से नहीं जाता, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा, किसी एक भूषा के परिवारों से नहीं जाता। उसमें संपूर्ण देश के अलग अलग एक एक कोने से देश की सीमा पर फौजी जब जाता है तो हिंदुस्तान अपने दिल में लिए जाता है, भारतवर्ष के प्रति समर्पण अपने दिल में लिए जाता है, ये राष्ट्र है। और इसीलिए ये राजनीति इन विषयों पर नहीं होनी चाहिए। आज मैं राजनीति क्यों कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार दबाव में थी, रिकॉर्ड बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था विफलता की तरफ लुढ़क रही थी। 2 करोड़ रोजगार हर साल का वायदा था, उस वायदे में सरकार बुरीता विफल हो गई थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उस जुमले को छुपाने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया कि 10 लाख नौकरी देंगे, जो मैंने आपको साफ बताया कि 10 लाख काल्पनिक स्वप्न ना दिखाएं, मगर जो ये 62 लाख रिक्त स्थान पड़े जिसमें 2 लाख से ज़्यादा फौज के, इनकी असली भर्ती सरकार निकाले, असली भर्ती करे, ये हमारी मांग है सरकार से। तो ये तो प्रमुख राष्ट्रीय प्रस्पेक्टिव से, राष्ट्रीय दृष्टि से कुछ बातें थी। इसके साथ साथ मैं एक राजस्थान और हरियाणा जैसे प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये वो प्रदेश हैं जहाँ से
परंपरागत रूप से फौज की भर्ती बड़े पैमाने पर रही है। यहाँ के नौजवान को कैसा दोहरा झटका लगा है, वैसे तो पूरे देश के नौजवान को झटका लगा है, मगर यहाँ के नौजवान को कैसा झटका लगा है वो भी मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, एक ये भी बात आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं रेजिमेंट सिस्टम जो है, जो फौज की नींव है, जो आधार है, उनकी जिन क्षेत्रों से परंपरागत रूप से बड़ी पैमाने में भर्ती होती है, जहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें बहुत सा राजस्थान में भी है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए समर्पित होकर बलिदान देने की परंपराएं रही हैं, उन इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया ऑल क्लास की बात आई है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये एक और प्रश्न पूछा गया था संसद में हमारे एक साथी सांसद द्वारा, ये 11 फरवरी 2022 को, ये सारे प्रश्न इस लेटेस्ट सेशन में ही पूछे गए थे, चाहे वो जो मैंने पूछा था कि जिसमें जवाब आया था 3 साल से भर्ती नहीं हो रही और 2 लाख से ज़्यादा वैकेंट है, इसमें यह पूछा गया था कौन से प्रदेश से कितनी भर्ती हो रही है। अगर हम राजस्थान का देखें तो राजस्थान में 2019-20 में लगभग 6,887 पक्की भर्ती, लगभग 7,000, राजस्थान की एवरेज लगभग 7,000 के करीब, उसके बाद से भर्ती हुई नहीं, पहले भी हर आप साल में जाके देखें तो 7,000 के इर्द गिर्द आंकड़ा